जब भी मैंने करण से उसकी मॉम के बारे में पूछा, उसने कुछ ना कुछ बोल के वो हमेशा टाल देता था और हमेशा ये एक्सप्लेन करता था कि उसकी मॉम अब उसके साथ नहीं रहती, कहीं और रहती है। पर दुर्गा, उसकी मॉम का इन सबसे क्या लेना देना? क्योंकि करण की मॉम को कोर्ट ने पायल का काउंसलर अपॉइंट किया था, पायल की तरफ से केस वही संभाल रही थी। सर, पायल पे किए गए साइकोलॉजिकल टेस्ट के रिजल्ट्स मुझे ये मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए पायल अपने आप को जिम्मेदार मानती है। शौर्य और उसके दोस्तों पर रेप का झूठा इल्जाम लगाने का गिल्ट तो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, पर उसी के साथ अपने माँ बाप की मौत और परिवार की तबाही का कारण भी वो खुद ही को ही मानती है। इतने सारे इमोशनल प्रेशर की वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। सर, पायल के लिए बेहतर यही होगा कि उसका ट्रीटमेंट किसी साइकियाट्रिस्ट के ऑब्जर्वेशन में जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इन रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट पायल मित्रा को मेंटल असाइलम की कड़ी निगरानी में इलाज करवाने का हुक्म सुनाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। मेंटल असाइलम में पायल को जानबूझकर गलत दवाइयां दी गई, शॉक ट्रीटमेंट्स दिए गए और आज अधमरी इंसान जैसी हालत उसी की वजह से। जिन लोगों ने पायल के खिलाफ झूठी गवाही दी थी और गोयनकास का साथ दिया था, उन सब का कोई ना कोई फायदा हुआ था, सिवाय मिसेस बासु को छोड़कर। उनकी लाइफ के साथ जो कुछ भी हुआ बाबा, थोड़ा अजीब नहीं है? अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस को छोड़कर अर्ली रिटायरमेंट ले ली उन्होंने, अपनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से अलग हो गई और आज मीडिया और लोगों से दूर एक आम साधारण लाइफ जी रही है। इनफैक्ट मुझे लगता है बाबा, पासु की बर्बादी की चाबी उसी की वाइफ मिसेस पासु के पास है। सच में ये है तो बहुत अजीब। ठीक है, इस क्लू की कब्र खोदते हैं, बासु खुद ब खुद इस कब्र में दफन हो जाएगा। नहीं बाबा, अभी नहीं, बासु की बर्बादी को अभी थोड़ा वक्त बाकी है, उससे पहले हम अपने अधूरे काम पूरे कर लेते हैं। ठीक है। I'm really sorry, कंगना। इतना सब कुछ एक साथ तुम्हें पता चला, पर जो सच है अब तुम्हारे सामने है। इस सच्चाई की लड़ाई में मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो, इस इंसाफ की जंग में तुम मेरे साथ रहो। ऑफ कोर्स दुर्गा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच कंगना। एक बात का ख्याल रखना होगा तुम्हें, तुम्हें अब भी घर में मेरे साथ वैसे ही बिहेव करना होगा जैसे तुम करती थी, ना ज्यादा बोलचाल ना कोई कंसर्न। किसी को भी घर में हम पर या हमारे इरादों पर शक नहीं होना चाहिए। तुम पायल से मिलना चाहोगी कंगना? नहीं, मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं अभी पायल से मिलूं। मैं कैसे उससे आंख मिलाऊंगी, क्या बोलूंगी मैं उसे? नहीं दुर्गा, अभी मैं पायल से नहीं मिल सकती, पहले मैं खुद को तो संभाल लूं, फिर बाद में पायल से मिलने की हिम्मत करूंगी। ठीक है कंगना, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। अब हम घर चलते हैं। Today you have to be very relaxed. किसी को शक नहीं होना चाहिए, ओके? Yes, uncle. आई होप सब सो रहे हो कंगना, कोई हमें साथ ना देख ले। तुम जल्दी से अपने कमरे में चली जाओ, ओके? शुभम,
शुभम, शुभम, where the hell is everybody? क्या हो रहा है इस घर में? बोलो अकरम खान। अकरम खान, आकाश, मिसेस गोयनका क्यों फोन कर रहा है? बोलना मुझे नहीं, बोलना तो अब आपको है। बताइए क्या फैसला लिया है आपने? साक्षी रहमत खान, पहले तो तुम मुझे इस नाम से पुकारना बंद करो। ठीक है ठीक है, पर ये तो बताइए क्या फैसला लिया आपने? किसे बचाएंगे, अपने बिगड़े हुए बेटे शौर्य को या फिर अपने एटीएम हस्बैंड राजनाथ गोयनका को? हाँ मैंने फैसला किया है, मैं अपने बेटे के साथ हूँ। मैं शौर्य को बचाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें वो टेप देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें मुझे अश्योरेंस देनी होगी कि ये टेप मिलने के बाद तुम शौर्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। डन। ठीक है, तुम तक वो टेप पहुंचाने के लिए मुझे 48 घंटे लगेंगे। अब तक जहां उसे छुपा के रखा है वहां पहुंचने में मुझे वक्त लगेगा। I'll see you in 48 hours. Okay. बैठिए प्लीज। क्या बात है यूं अचानक आना? तो कोई मैं बताता हूँ छोटे पापा। हेलो मिस्टर बासु। हेलो, हेलो दुर्गा। एक्चुअली छोटे पापा, वो मिस्टर बासु ना मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते थे क्योंकि बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने मुझे चेयरमैन बनाया, इसलिए। बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज बिजी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें आज हम ब्रेकफास्ट पे इनवाइट कर लें। तो बस इनको मैंने आज ब्रेकफास्ट पे इनवाइट कर लिया। एंड वैसे भी अब ये फैमिली मेंबर होने वाले हैं, बहुत ही जल्द इनके साथ हमारा रिश्ता जो जुड़ने वाला है। अब ये क्या नया प्लान है तुम्हारा? भाई देव अब फोन पे बात करने के लिए बहुत बिजी हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो खुद ही पर्सनली जाके उसे बधाई दे देता हूँ। कांग्रेचुलेशंस देव। थैंक यू मिस्टर बासु, थैंक यू सो मच। अब बैठे। थैंक यू। खड़े क्यों? कल तक जिस रिश्ते को तोड़ने के लिए देव गिड़गिड़ा रहा था, आज उन्हीं को घर पे दावत? What's all this now? जरूर इसमें भी दुर्गा का कोई हाथ होगा। करण, come on, sit. और वैसे भी इसे अब तुम अपना दूसरा घर ही तो समझो। ये कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ कंगना बिटिया के लिए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही। आ गई कंगना। मैं मानता हूं कि मैं पायल तुम्हारा गुनहगार, प्लीज मुझे माफ कर दो दिव्या। एक बात का ख्याल रखना होगा तुम्हें, तुम्हें अब भी घर में मेरे साथ वैसे ही बिहेव करना होगा जैसे तुम करती थी। ये सब इस घर में अचानक हो क्या रहा है? कंगना जिस दुर्गा से नफरत करती थी, उसे इशारों में बात कर रही है? What the hell is happening here?